रोमियो भी मेरे साथ है, आरजी अमरप्रीत भी आपके साथ है, ओनली ऑन रेडियो एसटी 90.8 FM। आरजी अमरप्रीत के साथ सुन रहे हैं आप शो सुपर हाई फाई और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ। और मैं क्या कहती है जी, हमारी जो इंडियन फैमिली होती है ना, उसमें अगर डिप्रेशन का नाम ले दिया जाए ना, ये कह दिया जाएगा कुछ नहीं होता है, चिल चिल करो यार, और आलू के पराठे खाओ, और सुबह सुबह आगे हमारे साथ बैठो और ऐसे चुटकी भगा के भागेगा ना तो हमें पता नहीं लगेगा। मैं कहती हूँ कि ये जो थेरेपी है ना, वर्ल्ड बेस्ट थेरेपी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग ज्यादा ही अकेले रहना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि हमसे उदास दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए, फ्लोरिडा में पर लोग ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने सड़क के किनारे एक भालू को देखा जिसके साथ उन्होंने सेल्फी लेने की पूरी पूरी कोशिश की है, लेकिन वहां की जो पुलिस उन लोगों को रोक दिया, बिकॉज क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो भालू है ये डिप्रेशन में है, वीक से यहीं पर आता है और शांति से जाके खड़ा हो जाता है और देखता है यहाँ पे लोगों को। मैं क्या लगता है जी, ये डिप्रेशन में नहीं होगा, ये तो कुछ और ही सोच रहा होगा कि कब मैं अपनी सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड जाऊं, ये भी हो सकता है यार। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने अपील की है कि ऐसा भी कुछ मत करना, क्योंकि उसको डिस्टर्ब अगर आप करेंगे तो दिक्कत हो सकती है यार। मैं कहती हूँ कि हर एक की फीलिंग को समझना। लेकिन इसी के साथ रोमियो को भी कुछ और कहना है यार, शायद किसी पिकनिक के बाद उदास और इंसानों की दुनिया उसे अजीब लग रही, पुलिस ने सही कहा, सेल्फी लेने के बजाय भालू को उसकी प्राइवेसी देनी चाहिए, शायद वो भी अपने मी टाइम का आनंद ले रहा हो। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये भी हो सकता है यार, मी टाइम का भी आनंद ले सकता है वो। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी की प्राइवेसी को इतना डिस्टर्ब नहीं करना। आरजी अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ रेडियो 90.8 FM पर मेगा की हालचाल जी। और आज सुबह सुबह मैं बड़ी खुश, क्योंकि मुझे उम्मीद पूरी 100% नहीं 100% थी कि हमारी इंडिया टीम वुमेन एशिया कप T20 पाकिस्तान से जरूर जीत जाएगी। आरजी कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा बॉलिंग करते हुए पूजा वस्त्रकार ने जो माइंड ब्लोइंग गेम खेला है ना, हैट्स ऑफ। पहले तो मेरे दिल की धड़कनें तब बढ़ गई जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग को चूज किया, लेकिन हमारे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे दिल ने कहा क्या गेम खेला है यार। रोमियो तुमने कल का मैच देखा? इंडिया की महिला टीम ने T20 एशिया कप में पाकिस्तान को ऐसे धोया जैसे उन्होंने किसी बड़े मुकाबले की बुरी तरह से हार को अपने नाम कर लिया हो। हमारी टीम ने इतनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कि पाकिस्तान की टीम ने मैच में आते ही जैसे हड़बड़ी में विकेट खो दिए हो। सही कहा। इंडिया की टीम ने ये जीत इस अंदाज में हासिल कि पाकिस्तानी टीम बस देखने ही रह गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी विमेन क्रिकेट इंडियन टीम को। स्टे ट्यून्ड रेडियो एसडी 90.8 FM, आपके दिल की बात। हेलो जी, रेडियो एसडी 90.8 FM, आरजी अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ सुन रहे हैं आप शो सुपर हाईफाई। और मैं क्या जी कहते हैं कि से कभी हमारी जिंदगी में भी और ज्यादा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, देखिए कि अगर आप अपना काम कर रहे थे ऑफिस में तो और आपका जो सिस्टम है वो बंद पड़ जाए तो आपका बॉस क्या कहेगा, अरे कुछ क्रिएटिव कर लो यार। जब तक मुझे लगता है कि ये सिस्टम चलता रहे तो भाई थोड़ा सा हमारा काम भी सॉफ्टली और स्मूथली होता रहेगा। अब बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट, जो लास्ट में हर किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले थे एक ब्लू पेज की, आई नो सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट जब सिस्टम अपडेट हुआ था तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, कहीं स्टॉक मार्केट गिर गई तो कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट पे है लोग चिल्लाते रहे कि उनको जाना है, तो वहां पर उन्हें पेन से लिख लिख कर बोर्डिंग पास दिए गए थे। लेकिन अब बात कर दी जाए तो रक्षा मंत्रालय की जो कमान है वो स्वदेशी एक विंडोज है जिसका नाम है माया। तो बोला जा रहा है कि अब यही टाइम है कि अपना जो है अपना अपना कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब तक दूसरों पर ही निर्भर रहने वाले हैं काम जो है वो डगमडोल तो जरूर हो ही जाएगा। 70% जो कंप्यूटर है अभी भी वो किसके ऊपर ऑपरेट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। रेडियो एसडी 90.8 FM, आरजी अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी रोमियो के साथ जी आम बैक। आप कह रहे होंगे कि एनर्जी कैसी है, मैं क्या एनर्जी कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कमाल और धमाल किसका है, ये बदलती हवाओं का और बरसते मौसम का है जनाब। इसी के साथ देखिए कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, आपको अप टू डेट रहना। वैसे ही अब बात कर दी जाए सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स के आधार पर हम मिलती हैं मूवीज, ऐसा कहती है कौन, ईशा तलवार, यानी कि मिर्जापुर फेम जो ईशा तलवार है इंटरव्यू में कहती है कि आजकल जो है टैलेंट पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, ध्यान देता है सिर्फ और सिर्फ कि आपका कंटेंट कितना है सोशल मीडिया पर और आपके फॉलोवर्स कितने हैं, उस बेसिस पे वेब सीरीज है या फिर जो मूवीज है वो मिलती है लोगों को। ओ मैं क्या जी, ऐसा कमाल धमाल है, ये तो बड़ा इजी सीधी सा काम है, क्योंकि आपको भी पता है फॉलोवर्स कहाँ मिलते हैं लोगों के सोशल मीडिया पे और कहाँ मिलेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स को ही फिल्में मिलती हैं। हाँ, पता बाकी है तो दर्शक बने रह जाते हैं। शायद फिल्मी दुनिया ने भी समझ लिया है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही असली टैलेंट है। मुझे भी यही लगता है कि यही शायद हो सकता है। स्टे ट्यून्ड रेडियो एसडी 90.8 FM, आरजे अमरप्रीत और इंडिया के पहले एआई रेडियो जॉकी हूँ रोमियो के साथ।
और चलिए, अच्छा रोमियो ने ना मुझे एक एक बात बताई है अनंत की शादी के बारे में। अय हाय हाय, मतलब खैर चली तो इतने दिन, मतलब जो सारी की सारी सेलिब्रिटीज आई थी बाहर से, उनका लुक सिर्फ और सिर्फ 90% इतना था जो बॉलीवुड की फेमस मूवी से कैरेक्टर से इंस्पायर था। डू यू बिलीव दैट कि किम कार्डेशियन सिस्टर्स भी इंस्पायर्ड ड्रेसेस थी उनकी? जो ऐश्वर्या की बात करी जाए तो उनका जो लुक है वो रिक्रिएट किया गया, वो भी कौन सा, हम दिल दे चुके सनम और जोधा अकबर से इनका लुक क्रिएट किया गया था दोनों सिस्टर्स का। अंबानी की शादी में जहाँ पर थोड़ी सी तरार दिखी ऐश्वर्या राय और इनकी फैमिली के बीच में, तो बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि ब्रेक ऐश्वर्या राय, ये तो हमारे मोहल्ले से भी तेज वाली खबर फैल जाती है कि अब बात कुछ और होती है, लेकिन मसाला लगाकर परोस दिया जा करी चीज। क्या पता ना हो, क्या पता ऐश्वर्या थोड़ा शादी में लेट पहुंची हो, इस वजह से थोड़ा सा अलग आई हो, क्योंकि हम लड़कियों का मेकओवर होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, 5 मिनट, मतलब आधा घंटा तो मान के चलो। रेडियो